हेलो फ्रेंड, अर्चना कुकिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज का पराठा, जो कि बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, साथ में बहुत टेस्टी लगता है और आप इसको चटनी के साथ खा सकते हैं। तो वीडियो में इन तक बने रहिए और नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम गेहूँ का आटा लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन, और नमक डाल देंगे थोड़ा सा। तो इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें हम पानी डालकर आटा को लगा लूँगी। तो आटा को मैं 15 मिनट के लिए ढक दूँगी। और यहाँ पे हम काटे हैं बारीक प्याज और हरी मिर्च और लहसुन और अदरक। इसमें डाल देंगे हम नमक और हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर। आप चाहें तो नींबू का जूस भी डाल सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। थोड़ा सा में हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। अब इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो 15 मिनट हो गया है और आटा को मैं देख लेती हूँ और आटा बहुत ही अच्छी तरह से सेट हुआ है और इसको थोड़ा सा मसल लूँगी। आटा को मैं फाफड़ी बनाऊँगी। और आटा का मैं छोटा सा डोल ले लूँगी। तो प्याज का डो डाल दूँगी, इसको अच्छी तरह से दबा देंगे ताकि अंदर चला जाए। तो इसमें हम सूखा आटा लगा लेंगे। और इसको बेल लेंगे। तो तवे भी गर्म हो गया है, इसमें हम पराठे को डाल दूंगी और दूसरे पराठे को भी इसी तरह बनाएंगे। इसमें भी मैं प्याज का डो डाल दूंगी और पराठा को मैं पलट दूंगी दूसरे साइड। अब इसमें हम घी लगा देंगे, आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं। और इस साइड भी हम लगा देंगे घी को। तो इसी तरह हम दूसरे पराठे को भी तवे पे सेकेंगे।
और इसी तरह हम सारे पराठों को बना लूँगी। तो प्याज का पराठा बनके तैयार हो गया है, ये बहुत ही जल्दी बनके तैयार होता है और साथ में टेस्टी भी होता है। आप इसको चटनी के साथ खा सकती हैं। तो प्याज का पराठा बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है, आप इसको नाश्ते में बना सकती हैं और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। तो ये रेसिपी आप सबको कैसा लगा? रेसिपी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।